रास्तों पर ब्लॉकेज चल रहा है, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, कैसी सरकार चलाते हो? मैं जरा यहां के मुख्यमंत्री को पूछना चाहता हूं, 1.5 साल सोए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर में सरकार बनेगी और मणिपुर के हाथ में सरकार आते ही कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। और मैं जानकारियों के आधार पर बोल रहा हूं भाइयों बहनों, 3-3 महीने से नेशनल हाईवे को ब्लॉकेज करके रखे हुए हैं और उनको कोई एक्शन न ले सरकार, इसका मतलब है कि कांग्रेस के लोगों इनके साथ मिली भगत है भाई। और मैं मणिपुर सरकार को कहता हूं, आप जो भी मदद मांगोगे दिल्ली सरकार मदद करने को तैयार है, अभी इसी मिनट मांगोगे मैं यहीं पर कहता हूं आपको मदद करने के लिए हम तैयार हैं, ब्लॉकेज खाली करो। आप विश्वास दिखिए, आप मेरे लिए समान है भाइयों बहनों, आप किस जनजाति के हैं, आप किस इलाके में हैं, मेरी सरकार कभी आपसे भेदभाव नहीं करेगी, आपको हक का पूरा देने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।